प्रिय विद्यार्थियों, कुछ विद्यार्थियों और प्रतियोगी छात्राओं छात्र छात्राओं के द्वारा यह आग्रह किया गया कि आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन समझा दीजिएगा। तो बच्चों, आज मैं आपको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के बारे में बता रहा हूँ। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को हिंदी में तुलनात्मक दशाएं कहते हैं। इसका क्लासिफिकेशन ऑफ डिग्रीज, तुलनात्मक दशाओं का वर्गीकरण, तो बच्चों बहुत स्पष्ट यह है कि डिग्री केवल एडजेक्टिव की बनती है, और वो एडजेक्टिव कौन कौन से हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। डिग्रियां तीन प्रकार की होती हैं। नंबर वन पॉजिटिव डिग्री, नंबर टू कंपैरेटिव डिग्री, नंबर थ्री सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, जैसा कि हिंदी में लिखा, सामान्य अवस्था, व्यक्ति या वस्तु की सामान्य विशेषता को दर्शाता है। कंपैरेटिव डिग्री तुलनात्मक अवस्था है, व्यक्ति या वस्तु की तुलनात्मक विशेषता को या गुण को दर्शाता है। इसमें दो व्यक्ति या वस्तुओं की तुलना की जाती है। सुपरलेटिव डिग्री उत्तम अवस्था है, इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की सर्वोच्च उत्तम अवस्था को दर्शाया जाता है या विशेषता को दर्शाया जाता है। अब जैसा कि बताया कि डिग्री तीन प्रकार की होती है। नंबर वन पॉजिटिव डिग्री, नंबर टू कंपैरेटिव डिग्री, नंबर थ्री सुपरलेटिव डिग्री। बच्चों, डिग्री भी कई तरीके से बनती है, इसीलिए अलग अलग तरीके से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे कुछ शब्द होते हैं जिनमें ईआर जोड़ करके कंपैरेटिव डिग्री बनती है, और ईएसटी जोड़ करके सुपरलेटिव डिग्री बनती है। जैसे क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ये इस प्रकार की है। उसके बाद स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट। बच्चों, कुछ शब्द एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनमें अंत में बाई शब्द होता है, जैसे अर्ली, हैवी, इजी। अर्ली को जब हम कंपैरेटिव बनाते हैं तो बाई को आई में बदल करके, बाई को आई में बदल कर ईआर जोड़ते हैं, जैसे अर्लियर, हैवियर, इजियर। इसी प्रकार सुपरलेटिव डिग्री में भी बाई को आई में बदल करके ईएसटी जोड़ करके बनाते हैं, अर्थात अर्लियस्ट, हैवियस्ट, इजियस्ट। बच्चों, यहां पर भिन्न नियम है। ईआर जोड़ने के लिए जो अंतिम लेटर है उसको डबल करना पड़ता है, जैसे फैट है, तो फैटर की जब कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो या फिर डबल टी ई आर हो जाएगा। इसी तरह से हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, और उधर सुपरलेटिव डिग्री बनाने में भी डबल लेटर करके तब ई एस टी जोड़ा जाता है। उसके उपरांत कुछ शब्द ऐसे भी एडजेक्टिव के हैं जिनमें जिनकी डिग्री नहीं होती है और उनमें मोर और मोस्ट जोड़कर डिग्री बनाई जाती है, जैसे ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव नहीं होती, ब्यूटीफुल स्वयं में पॉजिटिव डिग्री है, और इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर लगाना पड़ता, मोर ब्यूटीफुल। सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मोस्ट लगाना पड़ता, मोस्ट ब्यूटीफुल, अर्थात
ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट मोर इंटेलिजेंट मोस्ट इंटेलिजेंट, यूजफुल मोर यूजफुल मोस्ट यूजफुल। फिर आगे कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनका कोई नियम नहीं है, जैसे गुड बेटर बेस्ट, जैसे बने हैं वैसे ही समझ लिए जाए, वैसे लर्न कर लिए जाते हैं। बैड वर्स वर्स्ट, इनका कोई नियम नहीं, लिख दिया सामने हिंट के रूप में। मच मोर मोस्ट, इसके बाद अन्य भी ऐसे हैं जिनका कोई नियम नहीं है, जैसे फार फारदर फारदेस्ट, लिटिल लेसर या लेस लीस्ट, ओल्ड कंपेरेटिव में ओल्डर या एल्डर, सुपरलेटिव में ओल्डेस्ट या एल्डेस्ट। हाँ अब बच्चों कुछ जनरल रूल्स होते हैं जो कि पालन करने पड़ते हैं, वो इस प्रकार से हैं कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले दी अवश्य आता है, दी अवश्य आता है, कंपेरेटिव डिग्री के पश्चात देन अवश्य आता है। कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जैसे जूनियर सीनियर प्रियर सुपीरियर इंफीरियर, इनके पश्चात देन नहीं आता है, इनके पश्चात टू आता है। जैसा कि पीछे अभी कंपरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के शब्दों के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था, तो इन शब्दों में अंत में आई ओ आर लिखा होता है, जिन शब्दों में लास्ट में आई ओ आर लिखा हो उनके पश्चात टू आता है, देन नहीं आता। फिर कुछ शब्द हैं जैसे इंटीरियर एक्सटीरियर अल्टीरियर मेजर माइनर, इन शब्दों का प्रयोग सदैव पॉजिटिव डिग्री में होता है, देखने में भले ही कंपरेटिव लगते हो लेकिन इनका प्रयोग पॉजिटिव डिग्री में होता है। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो इसमें ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री है। मोहनी इज टालर देन श्याम, टालर कंपरेटिव डिग्री है, कंपरेटिव पश्चात देन का प्रयोग होता है, वो किया गया। गोपाल इज द वाइजेस्ट बॉय इन द क्लास, वाइजेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, उससे पहले दी का प्रयोग हुआ है। और फिर उसके बाद ही इज जूनियर टू मी, अर्थात जूनियर के पश्चात टू का प्रयोग होता और इस तरह से सेंटेंस बनता है। फिर उसके पश्चात यू आर टॉलर देन आई, बच्चों एक बात होता है कि यदि सब्जेक्टिव जो केस होता है उसी के अनुसार देन के पश्चात कंपैरिजन की जाती है, जैसे यू सब्जेक्टिव है तो आई भी सब्जेक्टिव केस का होगा, देन मी गलत है, और ऊपर वाले सेंटेंस ही इज जूनियर टू आई गलत है, और सही क्या है ही इज जूनियर टू मी, उसी तरह से यू आर टॉलर देन आई सही है करेक्ट है, और यू आर टॉलर टू मी इनकरेक्ट है, तो यह भी ध्यान रखने की बात है कि यू आर टॉलर देन आई। फिर उसके बाद मेजर पार्ट ऑफ वर्क इज कंप्लीट, बच्चों यहां पर कुछ शब्द मैंने लिखाए थे कि वो पॉजिटिव में ही प्रयोग होते हैं, तो ये देखिए मेजर जो है वो पॉजिटिव डिग्री में है, मेजर पार्ट ऑफ वर्क इज कंप्लीट। उसके पश्चात जिन शब्दों का एडजेक्टिव नहीं बनता है, मतलब जिन एडजेक्टिव्स का कंपरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती है, और जैसा कि बताया कि कंपरेटिव में मोर जोड़कर और सुपरलेटिव में मोस्ट जोड़कर उनकी डिग्री बनाई जाती है, उसी के अनुसार गीता इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टम। तो बच्चों इस प्रकार से मैंने आपको करेक्ट यूज ऑफ डिग्रीज के बारे में पढ़ाया। अब उन बच्चों के लिए जो हिंदी में नहीं समझ पाते हैं, माय डियर स्टूडेंट्स, द यूज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन इज द सब्जेक्ट ऑफ टुडे। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ डिग्रीज, नंबर वन पॉजिटिव डिग्री, नंबर टू कंपरेटिव डिग्री,
नंबर थ्री सुपरलेटिव डिग्री। द फॉर्मेशन ऑफ द डिग्रीज इज क्लियर ऑन द व्हाइट बोर्ड। द यूज ऑफ द डिग्रीज इज क्लियर बाय द एग्जाम्पल्स एंड द एग्जाम्पल्स आर सीता इज ए ब्यूटिफुल गर्ल, ब्यूटिफुल इज ए पॉजिटिव डिग्री, मोहन इज टॉलर देन श्याम, टॉलर कंपरेटिव डिग्री है, टॉलर इज ए कंपरेटिव डिग्री एंड आफ्टर कंपरेटिव डिग्री दैट इज यूज्ड। गोपाल इज द वाइजेस्ट बॉय इन द क्लास, वाइजेस्ट इज सुपरलेटिव डिग्री, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री द वर्ड दी इज यूज्ड। ही इज जूनियर टू मी, जूनियर सीनियर प्रियर सुपीरियर इंफीरियर। वैन इज यूज्ड, टू इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ देन एंड सम वर्ड्स आर सीम इन कंपरेटिव डिग्री बट दे आर यूज इन पॉजिटिव डिग्री सच एज इंटीरियर एक्सटीरियर अल्टीरियर मेजर माइनर। फॉर एग्जाम्पल मेजर पार्ट ऑफ वर्क इज कंप्लीट, द वर्ड्स देयर आर सम वर्ड्स द कंपरेटिव डिग्री इज विद मोर एंड सुपरलेटिव डिग्री इज विद मोस्ट। फॉर एग्जाम्पल गीता इज मोर ब्यूटिफुल देन हर सिस्टर, ब्यूटिफुल इज एन एडजेक्टिव बट इट हैज नो कंपरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री सो इट्स कंपरेटिव डिग्री इज मोर ब्यूटिफुल एंड सुपरलेटिव डिग्री इज मोस्ट ब्यूटिफुल। दैट्स ऑल, थैंक यू।